वेलकम गाइस टू अनदर वीडियो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर फोर है इस वीडियो में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे सबसे पहले हम स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशंस देखेंगे स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे फिर हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि सॉल्यूशन ऑफ एल फिर कुछ ग्रेट क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ क्विज भी दूंगा जिसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अपना आंसर कमेंट करके बताइए कोई डाउट होता है वो भी वो भी बताइए मैं आपकी हेल्प कर दूँगा तो चलिए शुरू करते हैं a differential equation of the form dy by dx plus p of xy is equal to q x suppose any differential equation of first order and first degree is given to you and it can be written in the form dy by dx plus p of x into y is equal to q of x so we consider it as a linear differential equation तो मतलब आपको कोई भी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का लीनियर डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं तो मतलब आपको जब भी कोई फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट डिग्री फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन मिले तो आप उसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए ठीक है थीके? एक बार इस फॉर्म में लिख दिया तो उसके बाद द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय ई रेस्ट टू द पावर इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डीएक्स ठीक है एंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ऑफ एक्स इंटू आई एफ टाइम्स इंटीग्रेशन डीएक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ठीक है तो मतलब पी एक्स यूज करके सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेना है फिर उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम जनरल सोल्यूशन में सब्सटीब्यूट कर देंगे तो हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर आ जाएगा तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर ही काम करेगा जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डेफिनेशन होती है ना बाई डेफिनेशन ये जो लीनियर का मतलब होता है कि डिग्री वन होनी चाहिए इक्वेशन की जो जो डिफरेंशियल टर्म्स हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जैसे ये इक्वेशन है इसमें वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ठीक है तो वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और जो डिफरेंशियल्स हैं वो उनकी डिग्री अगर वन हो डिग्री का मतलब पावर वन हो तो इक्वेशन को लीनियर कहेंगे लेकिन अगर ऐसी लीनियर इक्वेशन में अगर ऑर्डर भी वन हो जाए तो इस इक्वेशन को हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं अगली वीडियो में हम देखेंगे अगली अगली से अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जहां पर order, जहां पर ये जो होती है डिग्री तो वन होती है मतलब पावर तो सबकी वन होती है लेकिन ऑर्डर सबका वन नहीं होता उसे भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही कहते हैं लेकिन जो ये जो मेथड है ये सिर्फ उन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे काम करेगा जिनका ऑर्डर भी वन हो और डिग्री भी वन हो ठीक है सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ डूइंग द सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ओके सो now आई विल मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको उससे आपको और बेहतरीन तरीके से समझ आएगा तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन है हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है गेट का क्वेश्चन है हमें ये कंडीशंस भी दी हैं तो आपको इक्वेशन देख के पता चल रहा है ना कि ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में है कि नहीं dy बाई डी एक्स है प्लस कुछ एक्स का टर्म्स है सबसे पहले आप पहचानेंगे कैसे देखिए सिर्फ सबका ऑर्डर ऑर्डर वन है ना क्योंकि ये जो एक ही बार डिफरेंशिएट किया है तो ऑर्डर वन है और सारे डिफरेंशियल टर्म्स और जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनकी डिग्री उनकी पावर वन है ये, ये जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक्स ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इनकी डिग्री नहीं देखते देखिए अब ऑर्डर भी वन है डिग्री भी वन है तो ये इक्वेशन कौन सी होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अब ये दिखने में इस फॉर्म में लग रही है ना तो सबसे पहले पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स को पहचान लेंगे पी ऑफ एक्स हो गया टू एक्स क्यू ऑफ एक्स हो गया ई रेस्ट टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर तो अब सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे पी ऑफ एक्स यूज करके ठीक है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला ये पी ऑफ एक्स हो गया इसको यहां पर रख दिया ठीक है फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए नोटबुक में ये हो गया ई रेस्ट टू दी पावर इंटीग्रल टू एक्स डीएक्स इसका इंटीग्रेशन हो गया स्क्वायर तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा टू स्क्वायर अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम जनरल सोल्यूशन में सब्सिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर तो अब इसे सब्सिट्यूट करा वाई टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि ई रेस्टू दी पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू ऑफ एक्स टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर डीएक्स प्लस कॉन्स्टेंट ठीक है अब ये तो मल्टीप्लाई करके वन हो गया तो वन का इंटीग्रेशन डी के रिस्पेक्ट में एक्स होता है प्लस कॉन्स्टेंट अब ये हो गया वाई ई माइनस ई रेस्ट टू दी पावर एक्स स्क्वायर तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई कॉन्स्टेंट के साथ तो इसको हमने सिंप्लीफाई करा आ, ये ई रेस्ट टू दी पावर एक्स स्क्वायर उस तरफ चला गया तो क्या होगी वाई इज इक्वल ये सी कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू दी पावर माइनस स्क्वायर ये हमारी होगी जनरल जनरल सोल्यूशन हो गया लेकिन हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें इनिशियल कंडीशन दी हुई है अब हमने एक्स इक्वल टू जीरो और वाई की वैल्यू और y की वैल्यू वन डाली तो यहां पर वन आ गया ठीक है इज इक्वल टू जीरो प्लस सी क्या हो गया सी हो गया अब ई रेस्ट टू दी पावर माइनस ऑफ जीरो स्क्वायर यानी कि ई रेस्ट टू दी पावर जीरो इंटीग्रेशन की वैल्यू वन आ गई अब सी की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दी तो हमारे पास इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया ठीक है तो ये गेट का क्वेश्चन था बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया एक और क्वेश्चन देखते हैं गेट का तो ये हमारा क्वेश्चन है गेट 2017 का क्वेश्चन है चार ऑप्शन दिए हैं हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है और ऑप्शन से मैच करना है तो सबसे पहले आप देखिए डिग्री वन है पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री वन है और ऑर्डर भी वन है क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट किया है और सबकी पावर वन है इसकी भी पावर वन है और इसकी भी पावर वन है तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई तो हम इसको इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे सबसे पहले पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स पहचान अब यहाँ पर एक्स नहीं है यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे यहाँ पर वाई होता है ना इससे कंपेयर करेंगे हम इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्यू हो गया और टी जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया मतलब जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो क्यू ऑफ टी के टर्म्स में आएगी जैसे हमेशा वाई ऑफ एक्स के टर्म्स में आती है ना वैसे क्यू ऑफ टी के टर्म्स में आएगी कंपेयर करिए थोड़ा समझ आ जाएगा आपको तो मैं लिख तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर तो लिख दिया मैंने तो ये हमने इक्वेशन ऐसे लिखी अब p ऑफ t जैसे यहाँ पर x डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था ना x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था तो हम p ऑफ x देखते थे ना जो मतलब डिनोमिनेटर में होता था डिफरेंशियल इक्वेशन के उसका टर्म देखना होता था ना p ऑफ x और q ऑफ x अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में t है तो p ऑफ t और q ऑफ t देखेंगे अब देखो p ऑफ t भी बन हो गया और q ऑफ t भी बन हो गया इसको वन इंटू क्यू लिख सकते हैं ना तो हमने सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई रेस्टू दर इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स अब पी ऑफ एक्स की जगह पी ऑफ टी डी टी हो गया तो वन का इंटीग्रेशन डी टी के रिस्पेक्ट में टी हो गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ई रेस्टू दी पार टी अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम जनरल सोल्यूशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा अब वाई की जगह यहाँ पर क्यू है इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो ऐसे ये है ठीक है वाई की जगह क्यू है और डी एक्स की जगह डी टी रहेगा तो substitute करा q टाइम्स e रेस्ट टू दी पार्टी यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q ऑफ t जो कि वन है टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस्ट टू दार्टी डी टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अब e रेस्ट टू दी पार्टी डी टी का इंटीग्रेशन होता है e रेस्ट टू दार्टी ही रहता है ये सी हो गया अब हमने ये हो गया हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया ठीक है ये जो आया अब हम इसमें ये वाली कंडीशन सब्सिट्यूट करेंगे ताकि हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाए t इज इक्वल टू जीरो और q इज इक्वल टू जीरो डाला तो ये q जीरो हो गया तो ये एल एच एस तो जीरो हो गई अब आरएचएस देखते हैं अब t जीरो डाला तो क्या हो गया ई रेस टू दावर जीरो होता है तो, one आ गया। c, c. तो c की वैल्यू क्या आ गई देयर फोर सी इज इक्वल टू माइनस वन अब c इज इक्वल टू माइनस वन इस जनरल सोल्यूशन में डाला तो हमारे पास आ गया q इज इक्वल टू ई रेस टू दावर टी माइनस वन डिवाइडेड बाई रेस टू दावर टी अब हमने ई रेस्टू दि पावर टी से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया क्यों डिवाइड करा ताकि ऑप्शन के टर्म्स में आंसर आ जाए तो आ गया वन माइनस ई रेस्टू दि पावर माइनस टी अब मैं आपको एक क्विज क्वेश्चन दूंगा पहले आपको दिखाता हूँ तो आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ आया हो कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में पूछिए अब मैं क्विज क्वेश्चन दूंगा जिसे आप करके देखिए आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा तो मैं क्विज क्वेश्चन दूँ उससे पहले आपको याद दिला दूँ प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल ठीक है और अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की और भी वीडियोस देखनी है तो लिंक को चेक करिए जो यहाँ पर पॉपअप करता है प्ले का लिंक है ठीक है उसे खोलिए और सारी वीडियो देखिए तो क्विज कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन है गेट टू में आया है टू मार्क्स का क्वेश्चन है ठीक है टू मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप दो मिनट लेने की कोशिश करिएगा दो मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन करके देखिए जो भी पढ़ा है उससे हो जाएगा क्वेश्चन ठीक है तो चलिए शुरू करिए क्वेश्चन को और आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो थैंक यू गाइज सो एज यूजअल इफ यू एंजॉय द वीडियो एंड वुड लाइक टू सपोर्ट इट देन देर आर सेवरल वेज यू कैन डू इट द इजिएस्ट वेज टू सिंपली लाइक द वीडियो एंड गिव इट अ थम्स अप एंड ऑल्सो इट्स अ ह्यूज हेल्प इफ यू कैन शेयर इट विद एनी वन हू यू थिंक विट फाइंड दम यूजफुल एंड बी श्योर टू सब्सक्राइब योर फ्यूचर वीडियोज एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग